हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए मेरा कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम आपको शेयर करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक सिलेक्शन टू एग्जिट मेरा क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि स्टॉक सिलेक्शन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इसमें आप गलत हो जाओगे तो आपका गया ट्रेड लॉस में जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, वो कैसे, ये प्लेलिस्ट है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सेक्टर स्पेसिफिक इसमें डिस्कस किए। ये जो प्लेलिस्ट है इंट्राडे स्कैनर एंड स्टॉक सिलेक्शन, इसमें आप जाइए। इसमें आपको ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, नहीं तो ये सेकंड वाला। ये स्टॉक स्पेसिफिक है कि किस स्टॉक में वॉल्यूम आया, कौन ब्रेकआउट किया है, कहीं रिवर्सल हो रहा है, कहीं रिजेक्शन, कहीं ओपन इंटरेस्ट, ये सब बेस्ड ऑन स्टॉक स्पेसिफिक हम इससे ट्रैक करते हैं। और सेकंड में प्री ओपन, सेक्टर स्पेसिफिक मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इसमें हमको नहीं मिला तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाता हूँ। प्री ओपन, प्री ओपन में कैसे गैप पर चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये एनएसई होम पेज है। आपको मार्केट डाटा और प्री ओपन मार्केट, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है ये एफ एंड ओ। इसमें से टॉप गैपर को चेक करना है कि चार्ट में ये ब्रेकवे गैप कौन दे रहा है, नहीं तो रनवे गैप, ये चेक करना है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस में फार्मा ऑटो सेक्टर में बुलिश था, और तो मेरा सेक्टर सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये गैप अप खुला, तो ये 14th का है। 14th का देखिए, मैं यूपीएल एंड एशियन पेंट स्टॉक स्पेसिफिक दिया था। क्यों दिया था, कि यूपीएल एशियन पेंट टॉप गेनर में था, और चार्ट में भी आप चेक कर सकते हो। ये जो ऑल रेजिस्टेंस है, ये लाइन के पास ओपन हो रहा है, तो अब ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मोमेंटम आएगा। और सेकेंड चीज, प्राइस जब ये रेड कैंडल के बाद गैप अप खुलते हैं ना, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। अगर रेड कैंडल के ऊपर डायरेक्ट ओपन होता है तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। और एशियन पेंट एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया, ये गैप अप खोला था। अभी क्या बोला, रेड कैंडल के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है रिवर्सल का, तो ये रेड कैंडल था उसके ऊपर खुला। तो हमको प्री ओपन में क्या करना है कि चेक करना है कि बुलिश सेक्टर, बुलिश बेरिश क्या हो रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, मतलब बेरिश हो रहा है या बुलिश हो रहा है, स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा हो गया सेक्टर सिलेक्शन, स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद ओपनिंग रेंज, कि ओपनिंग रेंज की मार्केट है क्या है, बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है, ये सब आप समझने के लिए ओपनिंग रेंज के लिए वेट करना है। इधर इधर प्री ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किए, आप देख सकते हो। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं है, ओपनिंग रेंज के बारे में इधर डिस्कस किए। इसमें हमको मार्केट क्या है, बुलिश है, बेरिश है कि न्यूट्रल है, ये डिस्कस किए। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी को जाएंगे कि हम ये तो अभी तक स्टॉक हो गया, बुलिश बेरिश बायस हो गया, उसके बाद एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेंगे, इधर ओआरबी नहीं तो ओआरपीबी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपनिंग रेंज पुल बैक। मैं प्रीफर करता हूँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को। ओ कैन डिस्कस किए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इधर डिस्कस किए। और टारगेट कैसे सेट करोगे, इसके बारे में तो मैं वीडियो नहीं बनाया, नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में बना दूंगा। जनरली आप पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस यूज कर सकते हो। कैसे करना है आगे वीडियो में, जस्ट आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और एग्जिट, एग्जिट कैसे करोगे, इधर कैंडल स्टिक एग्जिट और रिवर्सल डेवलपमेंट एग्जिट, ये ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हो। कैंडल स्टिक में ये आप देख लीजिए, एक पिन बार रहेगा, मत बहुत
पिन बार, वाइड रेंज बार, क्लाइमैक्स, बहुत सारे डिस्कस किए कैंडल स्टिक के इसमें कैसे आप एग्जिट कर सकते हो। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फॉल्स बैक ब्रेकआउट, और लास्ट में ये रिवर्सल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये रिवर्सल, ये सब कैंडल स्टिक, ये रिवर्सल में ये एग्जिट सिग्नल सब देता है, आप ये भी देख सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक जितना भी डिस्कस किए उस सब को समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन को पढ़ना होगा, उसके लिए आप प्राइस एक्शन स्टडी कीजिए। ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया है, ये सब प्लेलिस्ट में आप जाके प्राइस एक्शन का स्टडी कीजिए, क्योंकि जब एंट्री टू एग्जिट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, आप इधर से एंट्री ले लिए, आपका टारगेट इधर है, ये जो मूवमेंट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि यहीं पे साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। कैसे है कि ये एक्चुअली ये छोटा छोटा जो पुल बैक था, ये आ रहा है, ये रिवर्सल है या पुल बैक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये प्राइस अप जा रहा है, एक रेड कैंडल आया, तब आपको माइंड में आ जाए कि ये एग्जिट कर लूँ वा वेट करूँ, एक्चुअल प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। थैंक यू।